लाजवाब गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक मीडियम साइज प्याज को फ्राई कर लें और उसमें हाफ के जी धुला हुआ मटन डालें और मटन फ्रेश हो मोटे टुकड़े में कटी हुई चार प्याज डालें। ये मीडियम साइज प्याज है। चार हरी मिर्च डालें और स्वाद के अनुसार नमक डालें। एक टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट डालें। अब इन सब चीज़ों को दो तीन मिनट तक तेज फ्लेम पर अच्छी तरह से तलते रहें। अब कुछ पाउडर मसाले निकाल लें। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून मिर्च पाउडर, आप मिर्च अपने पसंद के हिसाब से डालें, मैंने यहाँ कम डाला है, और 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर भूनते वक्त डालना होगा। यहाँ पर कुछ साबित खड़े मसाले हैं और 1/2 टी स्पून जीरा और 1/4 टी स्पून काली मिर्च है। अब ये सारे मसाले भी गोश्त में डाला जाना है। गोश्त अच्छी तरह से तला जा चुका है और वक्त के हिसाब से देखें तो 4 मिनट मैंने यहाँ पर दिया है, और अब इसमें सारे पाउडर मसाले डालें और साथ ही 1 कप पानी डालें गोश्त के गलने के लिए। गोश्त में उबाल आने दें। गोश्त में उबाल आ गया है, अब यहाँ पर इसका ढक्कन बंद कर दें और इसे प्रेशर कुक करें और फ्लेम को तेज़ रखें। जब प्रेशर आ जाए और पहली सीटी आ जाए तो उसके बाद लो हीट कर दें, फ्लेम को धीमा कर दें और वहाँ से 15 मिनट तक इसे स्लो कुक करें। तो अब ढक्कन बंद कर दें। 15 मिनट में गोश्त बिल्कुल गल गया है और पानी भी जितना अंदाज़ा था उसी के मुताबिक है। तो अब इसकी फाइनल प्रोसेसिंग हम करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा था कि एक लाजवाब गोश्त बनाना है तो अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ चीज़ें डालूँगी। सबसे पहले गोश्त को भूनने के लिए दही डाल दें और उसमें डालें ये हमारा लाजवाब मसाला। तो यहाँ पर ये है 1 टीस्पून शान बिरयानी मसाला। आप इसे एक बार आजमा कर देखें, बेहतरीन गोश्त तैयार होगा। और साथ ही 1/4 टीस्पून हमारा ये गरम मसाला पाउडर है और ढेर सारी कटी हुई धनिया की पत्ती और 1 स्लाइस लेमन का है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें गोश्त में डाल दें और इसे अच्छी तरह से भून लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शोरबा बना लें। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से भुना जा रहा है, और आप इसका जायका चखेंगे। ये यकीनन एक लाजवाब मसाले वाला गोश्त होगा। मैंने पहले ही कहा था कि एक लाजवाब गोश्त बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी टेक्सचर वाला, कितना मसालेदार गोश्त तैयार हो रहा है। गोश्त अब भुना जा चुका है और इसके सरफेस पर तेल भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर पानी डालें। मुझे इसे तहरी में खाना है तो मुझे पतला शोरबा चाहिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से शोरबा लगा लें या इसे भुना हुआ गोश्त भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों हालत में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब इसमें बॉयल आने दें। देखिए अब ये गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ इसका शोरबा भी रेडी है और सरफेस पे तेल दिख रहा है। तो अब कुकर बंद कर दें और इसे डिश आउट कर लें। तो अगर आपको इस लाजवाब से गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखें ये कितना अच्छा शोरबा इसका तैयार हुआ है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तो आप इसे रोटी में खाएं, पुलाव में खाएं या तहरी में खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो इसे ट्राई करें, हमें दुआओं में याद रखें।
मिलते हैं फिर किसी अगले रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।